हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम पूजा दिवाकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारे घर पे बहुत जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। इलेक्ट्रिशियन भैया आके सब फाइनल टचेस देखे गए कि कौन से लाइट्स चल रहे हैं, कौन से नहीं। एंड हमारा भी सब बेडशीट्स वगैरह सब बिछा के हो गई। एंड मम्मी अभी आरू, मीना, छोटू किसी भी वक्त पापा को लेके आते ही होंगे। एंड अभी मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ ताकि जब वो आए एंड बहुत मजा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अब देखिए हमारे पापा आज कैसे आने वाले। सो फाइनली लालबाग पहुंचने के बाद हमने ये लालबाग के राजा का एंट्रेंस गेट देखा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग था। एंड येट यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक था, तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ। एंड एज यूजुअल, क्योंकि गणेश चतुर्थी स्टार्ट होने ही वाले थे, तो सारे के सारे लोग अपने अपने पापा को घर लेने जाने आए। उस चक्कर में बहुत ट्रैफिक भी था, बट बहुत अच्छा लग रहा था कि सब अपने पापा को कितने प्यार से लेके जा रहे, कोई ढोल नगाड़ों के साथ, कोई डीजे के साथ। एंड इतने सारे लोग रोड पे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। एंड लाइक स्पेशली लुकिंग एट द स्पिरिट्स, लाइक मुंबई में तो गणपति के टाइम पे ना सब लोगों का स्पिरिट्स कुछ अलग ही लेवल पे रहता है। एंड इतने सारे क्यूट क्यूट पप्पा का आइडल देख के इतना प्यार आ रहा था पप्पा पे, ऐसा लग रहा था उनको लो और अपने गोदी में बैठा लो। तो गाइज, अभी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, आप बस देखिए और इन्जॉय करिए कि किस तरह से हम हमारे पप्पा को घर पर लेके आते। सल्यूट टू ऑल द क्राफ्ट्समैन जो इतने मेहनत से मूर्ति बनाते हैं एंड एंड मोमेंट तक इन सारी मूर्तियों में इतने फिनिशिंग टच देते हैं। ये देखिए, ये भैया जो इतने प्यार से पापा को पगड़ी पहना रहे हैं। एंड आई सो लव द कलर ऑफ द पगड़ी। एंड वो स्पेशली जो बैकग्राउंड में जो पीच कलर की धोती पहने गणपति पापा की मूर्ति है ना, वो इतनी अट्रैक्टिव थी ना, मेरी नज़र उन पर से जा ही नहीं रही थी। मतलब इतने सुंदर, मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्रेस कि भगवान कितने सुंदर लग रहे थे। फिर से आप भी दर्शन कर लीजिए। ये नहीं, दूसरा दो बोले।
सो बप्पा आ गए हैं हमारे गाड़ी में एंड अब वो हमारे घर आने के लिए तैयार हैं। एंड यहाँ पे घर पे इलेक्ट्रिशियन भैया अपना फाइनल टच देते हुए वो सारे लाइट्स एंड प्लग्स वगैरह सब चेक कर रहे थे, सेटअप वगैरह सब चेक कर रहे थे सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस बप्पा तो आ गए हैं एंड बप्पा के आने के बाद ये देखिए अभी हमारा फ्लावर डेकोरेशन स्टार्ट हुआ है। ये सारे भैया हमारे घर पे पिछले 5 से 6 साल से आ रहे हैं। भैया आप टर्न हो के सबको हाय बोलो, देखो कितने स्पॉन्टेनियस है, भैया ने हाय कहा बाकी सब शर्मा रहे हैं। तो अभी जस्ट सेटअप चालू है एंड थोड़ी देर में उनका पूरा, थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटा तो लगेगा ही उनको पूरा करने में, बिकॉज ये कुछ छोटा मोटा सेटअप नहीं है, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। जितना टाइम उसको असेंबल करने में लगता है उतना ही टाइम उसको निकालने में भी लगता है। तो अभी मैं आपको तब दिखाऊंगी जब ये पूरा फाइनल हो जाए। जब पप्पा आते घर में ना सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, सो एज दिस गर्ल। एंड रात के 11:30 बज गए एंड इनको सोना नहीं है बिल्कुल भी। बाबू आपको नीनू नहीं आ रही है, देखो कितना स्टैंडर्ड जवाब है। अब मम्मी और हम सब वेट कर रहे हैं एंड वी वांट टू सी कि इसका आउटपुट आता कैसे है। अभी आप एकदम गहरी विचार में, ऐसे क्यों? अभी नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली ओपनिंग करूं? चलिए ठीक है, मैं आपको अभी कुछ नहीं दिखाऊंगी डायरेक्टली। सो गाइस हमारा डेकोरेशन पूरी तरह से हो गया, पूरे 2 घंटे लगे ये पूरा सेटअप तैयार करने में। ऑल थैंक्स टू ये सारे भैया लोग जो फर्न्स एंड पेटल्स से आते हैं। They've been coming to my place since 5 to 6 years. ये सारे भैया कॉमन है, हर साल यही आते हैं। So cheers to this guys. Fine. भैया आप लोग हमारे घर पे इतने सालों से आ रहे हैं, स्पेशली आप, ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। तो आप लोगों को कैसे लगता है यहाँ पे हर साल विदाउट एनी मिस आप हर साल आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। शादी में भी आते, ऑफिस का भी करते हैं, एक कॉल पे हमें हमेशा बुकेज मिलता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आपने हमारा हर ओकेशन को बहुत स्पेशल किया। थैंक यू सो मच।